नमस्कार। इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी। पानी में उतरने से पहले ही ना डूब जाए इंडिया गठबंधन की नाव। जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा संकेत। अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में बताई अपनी अहमियत। जमीनी स्तर पर शुरू हुई हलचल। यूपी में प्रियंका की टीम मायावती से भी संपर्क में, बदलाव के आसार। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के जाल में फंसती दिख रही है। सबसे बड़ा पेंच सीट शेयरिंग को लेकर फंसने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया में अपने महत्व को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया से सीटें मांगेगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देगी। उत्तर प्रदेश 2022 की चुनाव की तर्ज पर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा में तमाम राजनीतिक दलों को अपनी छत्रछाया में चुनाव लड़ाने की। शायद ही यह कांग्रेस को मंजूर हो। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक मौन रस्साकसी चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने वाले सभी नेताओं का ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ऑफर की जा सकती हैं। इसमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली अमेठी शामिल है। इसके अलावा 3 से 4 और सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। वहीं राष्ट्रीय लोक दल को 4 से 5 सीटें दे सकती है। रालोद की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सीट जिलों में चुनावी तैयारियां चल रही हैं। पार्टी हर हाल में 12 से 15 सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में इंडिया की गाड़ी सीट शेयरिंग के मामले में पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन की कवायद के साथ ही अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्र में पकड़ के हिसाब से सीटों पर समझौते की बात कही। बड़ी ताकत को हराने के लिए समय की ताकत का संदेश दिया। इंडिया की बैठकों के दौरान विपक्षी गठबंधन को आकार देने में भूमिका देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अखिलेश को ही यूपी में विपक्ष का चेहरा बताया। लेकिन कांग्रेस अपनी बदली रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने में जुटी है। वहीं सपा नेताओं का मानना है कि गठबंधन की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ने पहले भी ऐसा कहा है। इसके बाद भी कांग्रेस अपनी हलचल बढ़ाए हुए है। कांग्रेस धीरे धीरे और चुपचाप मुसलमानों, दलितों और अति पिछड़े ओबीसी तक पहुंच रही है। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि कहीं पानी में उतरने से पहले ही इंडिया की नाव डूब न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी, उत्तराखंड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।